आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक? मैं अभी आसाम से आया हूं, लेकिन यहां आके आप लोग को देख के मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं आसाम और केरला का डिफरेंस कुछ देख ही नहीं रहा हूं। मेरा लग रहा है कि मैं आसाम में ही हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा? आप पूछिए, प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा? पक्का मोदी जी? पक्का मोदी जी? तो राहुल गांधी क्या बनेगा? देखिए, प्रधानमंत्री बनेगा मोदी जी, राहुल गांधी क्या बनेगा? पप्पू ही तो बनेगा, और क्या बनेगा? आप लोग बोलिए, और कुछ बनने का जगह है उनका? आप देखिए, ये केरला वीरों का भूमि है। यहाँ लोग आते हैं जीतने के लिए, लेकिन कोई लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे और केरला से चुनाव जीते, ये केरला के लिए है अपमान है, ये कोई केरला के लिए सम्मान नहीं है। हमारा केरला में, हमारा बीच में सुरेंद्रन जी है, उनको जिताइए, ये केरला का सम्मान आगे करेगा। आज आप लोग देखिए, मैं इतना ही बोल सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी खाली तुष्टीकरण समझता है और कुछ नहीं समझता है। आज मैं जब असम से आया हूं और केरला में आप लोगों को देख के, मैं दो साल बाद बोलना चाहता हूं कि हमारा जो देश है, ये देश को विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी ही बना सकता है और नरेंद्र मोदी जी ही हमारा देश को विश्व गुरु बनाएगा। अब मैं जब केरला पहुंचा तो मैंने पहले देखा कि केरला का पेट्रोल का दाम कितना है, फिर मैंने देखा केरला का पेट्रोल पर लीटर 106 रुपया है। हमारा असम छोटा प्रदेश है, लेकिन असम में पेट्रोल का दाम खाली 97 रुपया है। असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलता है और केरला में सरकारी कर्मचारी को 9% से 10% ही डीए मिलता है। कांग्रेस हो, सीपीएम हो, ये देश सालाना नहीं जानते हैं, देश सालाना खाली बीजेपी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं। अभी राहुल गांधी बोल रहा है कि केरला सीएम को हम लोग जेल में क्यों नहीं डाला। ठीक है, पहले राहुल गांधी बोल रहा था कि केजरीवाल को हमने जेल में क्यों नहीं डाला, फिर जब केजरीवाल जेल में डाल गया, के जेल का अंदर हो गया, तो राहुल गांधी और केजरीवाल एक टीम बन गया। तो मैं भी राहुल गांधी को बोलना चाहता हूँ, चुनाव का बाद अगर हम केरला का सीएम को जेल में डालूंगा तो राहुल गांधी बीजेपी का साथ रहेगा कि सीपीएम का साथ रहेगा? अभी जवाब दे दीजिए। अभी राहुल गांधी को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग देश के लिए जो पाप किया है ना, तो इसीलिए चुनाव का बात आप भी कहाँ रहेगा पता नहीं, लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए, सारे लोग, कांग्रेस और सीपीएम लोग, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा और 700 सीट पार करके मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज हमारा देश में हमें इकोनॉमिक रिवोल्यूशन चाहिए और हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आज हमारा भारत 5th इकोनॉमी है, देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के लिए, लेकिन समाज भी आगे बढ़ रहा है मोदी जी के लिए, और मोदी जी का पास जो हिम्मत है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का हिम्मत, खाली मोदी जी का पास ही है। हमारा देश में कानून बनना चाहिए कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। एक कोई भी मेरा बेटी बेटी हो, कोई भी धर्म का हो, 18 साल का पहले किसी का शादी नहीं होना चाहिए, और एक पति को पत्नी जिंदा होते हुए दूसरा शादी नहीं करना चाहिए। असम में मैंने लास्ट दो साल में अभी थर्ड ईयर है मेरा सीएम बनते हुए, मैंने 12,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया,
किस लिए? ओ लोगों ने 18 साल का नीचे का बेटी को शादी किया था, तो हमारा असम में हमने कानून बना दिया, भाई 18 साल के नीचे किसी को भी शादी करेगा तुम जेल का चक्की पीसना पड़ेगा, पक्का बात है। ट्रिपल तलाक हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, समाज में अगर सामाजिक न्याय ले ला सकता है खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले सकता है, ला सकता है। राहुल गांधी वायनाड का एमपी था, लेकिन क्या यहाँ में उनका कोई घर है? यहाँ में वो कम से कम साल का 2 महीना यहाँ रहता है, आप लोग क्या उनको मिल सकता है? क्या मिल सकता है आप लोग उनको? गाना रंडो क्या आप लोग उनको मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं? कभी वो आप लोगों को दिल्ली में बुलाता है खाना खाने के लिए, तो उनको आप क्यों भेज देते हो? तो राहुल गांधी यहाँ एमपी नहीं है, यहाँ वो टूरिस्ट है, टूरिस्ट हिसाब से वो आते हैं और टूरिस्ट हिसाब से वो चला जाता है। एक पार्टी के लिए अपना फ्लैग माँ जैसा होता है। अभी राहुल गांधी का नॉमिनेशन हुआ, मुस्लिम लीग ने उनको धमकी दे दिया कि यार जाना है तो मेरा फ्लैग लेके जाना है। राहुल ने बोला भाई कांग्रेस का फ्लैग भी नहीं, तुम्हारा फ्लैग भी नहीं, हम लोग अकेला बिना फ्लैग को ही नामांकन देने जाऊंगा। आप लोग बोलिए क्या इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग नरेंद्र मोदी को धमकी दे सकता है? क्या सकता है धमकी दे सकता है? अरे मोदी जी को सॉरी है, अगर असम में इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग मुझे धमकी देता है मैं उनको जिन्ना का साथ पाकिस्तान भेज दूंगा, सीधा बात है। आज केरला में राहुल गांधी ने तुष्टीकरण का राजनीति किया, अपना फ्लैग भी इस्तेमाल नहीं किया। 2 दिन का बाद होगा इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग कांग्रेस को बोलेगा तुम्हारा नाम बदल दो, वो नाम भी राहुल गांधी से पप्पू गांधी कर देगा। ये लोग वोट के लिए इतना नीचे जा सकता है, वायनाड से कोई उनका प्यार नहीं है, आप लोगों से कोई प्यार नहीं है, उनको सेफ सीट चाहिए इसलिए वो केरला में आया। लेकिन सुरेंद्र जी सन ऑफ द सॉइल है, आप लोगों को सेवा करेगा, आप लोगों के लिए काम करेगा और पार्लियामेंट में आप लोगों के लिए आवाज उठाएगा। आप लोग बताइए 5 साल में राहुल गांधी में ने संसद में कभी भी आप लोगों का बारे में कुछ बताया? कोई उन्होंने नया प्रोजेक्ट लाया? कोई नया काम हुआ यहाँ में? कुछ काम नहीं हुआ। अभी यहाँ वो लोग नाटक कर रहा है कि सीपीएम और हमारा दुश्मनी है। केरला में सीपीएम और कांग्रेस फाइट करता है दिखाने के लिए, और दिल्ली पहुंचने से ही इलू इलू करता है, आई लव यू करता है। बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस का इलू इलू है, तमिलनाडु में सीपीएम और कांग्रेस का इलू इलू है, सारा देश में सीपीएम और कांग्रेस का इलू इलू है, और केरला में दोनों ड्रामा करता है। तो इसीलिए ना सीपीआई को, ना सीपीएम को, ना कांग्रेस को अगर हमें केरला को आगे लेके जाना है तो खाली मोदी जी को, बीजेपी को हमें वोट देना है। भाई और बहनों, मैं यहाँ आके देख रहा, जब मैं रोड शो में आ रहा था, लोगों का जो एक उत्साह था, उमंग था, मैं बता सकता हूँ कि केरला में हम लोग अगर सोचा था कि थोड़ा दूर में चेंज होगा, ऐसा नहीं, केरला में राजनीति का परिवर्तन बहुत जल्दी होने वाला है। सीपीएम और कांग्रेस दोनों का काम भारत में और नहीं चलने वाला है। सीपीएम और कांग्रेस का अभी कोई चुनाव नहीं जीतने वाला है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा और मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का साथ साथ 2026 में केरला में हमें बीजेपी का सरकार भी बनाना है। 2016 का पहले लोग बोलता था कि असम में कभी बीजेपी का सरकार नहीं बन सकता है, किस लिए? असम में 36% मुसलमान है, लेकिन हमने दिखा दिया कि खाली सरकार नहीं बनाया,
हमने दो बार सरकार बनाया और 2026 में हम 126 सीटों के अंदर में 100 सीट लेके हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी सबका साथ काम करता है, सबका साथ सबका प्रयास, सबका साथ को हम लोग लेके काम करता हूँ। और केरला में मैं भी विश्वास करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद से, सारे समुदाय का आशीर्वाद से हमें 2026 में सरकार भी बनाऊंगा और इस लोकसभा चुनाव से ही हमारा वो यात्रा का, विजय यात्रा का शुरुआत भी हो जाएगा। मैं अभी असम में जाके कामाख्या माँ में प्रार्थना करूंगा, हमारा वहाँ माँ कामाख्या विराजमान होता है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि बीजेपी जरूर जीते, वायनाड से भी जीते, केरला में भी जीते और प्रधानमंत्री जी तीसरा बार भारत का प्रधानमंत्री बने, 300 सीट लेके नहीं 400 सीट लेके बने। मेरा साथ बोलिए भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।